हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम प्लान लेकर आए हैं वो है हमारा 29 फीट बाय 63 फीट का प्लान। 29 फीट इसका फ्रंट रहेगा और 63 फीट इस प्लान की लंबाई रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस प्लॉट के स्क्वायर फीट में बात करें तो यह है हमारा 1827 स्क्वायर फीट का प्लॉट। गज में बात करेंगे तो यह हमारा 203 गज का प्लॉट है। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, यह सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कार पार्किंग से। यहाँ पर मिलता है आपको पार्किंग एरिया 17 फीट बाय 16 फीट की। यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया मिलेगा तो यहाँ पर आपकी कार इजीली आ जाएगी। स्टेयर्स यहाँ पर हमने बिल्कुल सेपरेट दी हैं। अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट पर उठाना चाहते हैं तो जो भी किराएदार होंगे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 फीट चौड़े स्टेयर्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। लिविंग एरिया के साथ आप यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी बना सकते हो, जो स्टेयर्स के नीचे का पोर्शन होगा। यहाँ पर आपको मिलता है लिविंग एरिया, आप देख सकते हो 12 फीट बाय 15 फीट का यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलेगा। तो जो भी गेस्ट आएंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। लिविंग एरिया की विंडो हमने यहाँ पर दी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। यहाँ पर आपको 4 फीट 9 इंच बाय 15 फीट 9 इंच की गैलरी मिलती है। यहाँ से हमने एंट्री दी अपने किचन में आने के लिए, तो ये हमारा किचन का पोर्शन है। 12 फीट बाय 10 फीट का आपको यहाँ पर किचन मिलेगा। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने इसकी यहाँ पर रखी है, तो किचन की जो भी स्मेल होगी वो इस विंडो के थ्रू पास आउट हो जाएगी। किचन में से ही हमने डोर प्रोवाइड किया अपने स्टोर में आने के लिए, तो हमारा स्टोर का पोर्शन है। 8 फीट बाय 5 फीट का आपको यहाँ पर स्टोर एरिया मिलेगा। फिर यहाँ पर हमने वॉल बेसिन रखने के लिए जगह प्रोवाइड की है। यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट बेडरूम, 12 फीट बाय 10 फीट का आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम की विंडो हमने इस वाले OTS से कनेक्ट कर रखी है ताकि हमारे इस बेडरूम में रोशनी बिल्कुल ठीक रहे, तो 4 फीट चौड़ी विंडो हमने इसकी यहाँ पर रखी है। फिर यहाँ पर मिलता है आपको एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जो आपके फैमिली मेम्बर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 फीट बाय 7 फीट का आपको यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। इसका वेंटिलेशन हमारे OTS से कनेक्ट है, 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन हमने इसका यहाँ पर रखा है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ये हमारा ओपन पोर्शन रहेगा। यहाँ पर हमने स्लाइडर डोर दिए हैं, तो ये हमारा OTS का पोर्शन है। 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंच का आपको यहाँ पर OTS का पोर्शन मिलेगा, और यहाँ पर हमने स्लाइडर डोर प्रोवाइड की है। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको हॉल एरिया मिलता है। 20 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का आपको यहाँ पर हॉल का पोर्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा OTS प्रोवाइड किया है, 4 फीट बाय 14 फीट का, यानी कि जो जाल पड़ेगा वो सिर्फ 3 फीट बाय 6 फीट के पोर्शन पर जाल पड़ेगा, बाकी के पोर्शन पर स्लैब आएगी। आप यहां पर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो और यहीं पर आप कपड़े धोकर यहीं पर सुखा सकते हो रस्सी डालकर, तो इसलिए हमने थोड़ा सा OTS का पोर्शन थोड़ा बड़ा प्रोवाइड किया है। फिर हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ, तो दोनों बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। यह हमारा सेकेंड बेडरूम है, 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ पर सेकेंड बेडरूम मिलता है, ठीक है। इसकी विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। एक विंडो हमने यहाँ पर दी है, दूसरी विंडो हमारी यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा OTS का पोर्शन हमने यहाँ पर दिया है। 12 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का आपका यहाँ पर OTS का पोर्शन रहेगा। जाल जो पड़ेगा वो 3 फीट बाय 6 फीट के पोर्शन पर पड़ेगा, बाकी के पोर्शन पर आपकी स्लैब आएगी और वहाँ पर आप उसके नीचे कूलर रख सकते हो ताकि आपके बेडरूम में हवा बिल्कुल सही रहे। इसी बेडरूम में से भी हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS में आने के लिए। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, 8 फीट बाय 5 फीट का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। इसका वेंटिलेशन हमारे OTS से कनेक्ट है। इसी तरह से यह है हमारा तीसरा बेडरूम, 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का आपको तीसरा बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर रखी है ताकि हमारे इस वाले OTS से कनेक्ट है, ताकि हमारे बेडरूम में रोशनी सही रहे। इस बेडरूम में से भी हमने डोर दिया अपने इस वाले OTS में आने के लिए, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हो। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, 8 फीट बाय 5 फीट का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। उसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, जो हमारे OTS से कनेक्ट है। तो ये था हमारा 29 फीट बाय 63 फीट का प्लान।
इसमें जो हमने टोटल कॉलम्स दिए हैं वो 17 कॉलम्स दिए हैं। कॉलम साइज़ जो हमने रखा है वो 9 इंच बाय 12 इंच का कहीं पर प्रोवाइड किया है और कहीं पर 9 इंच बाय 15 इंच का कॉलम साइज़ प्रोवाइड किया है। इस पूरे प्लान का एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 22 लाख के आसपास आएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान, आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।